बढ़ते आगे, पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तेजी से ठंड बढ़ रही है। नर्मदापुरम में भी ठंड से लोगों का हाल बुरा है। यहां पर रेलवे स्टेशन के आसपास इस हार कपा देने वाली ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। सर्द हवाओं के बीच लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ना ही प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये बेबस परिवार खुले आसमान के नीचे अलाव के सहारे वक्त बिता रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। गरीब परिस्थिति से ये लोग आते हैं और यहाँ खुले आसमान के नीचे रेलवे स्टेशन पे ये पूरा जो है रात बिताते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी रहते हैं। इस ठंड में इनका कैसे गुजारा होता है, इनसे बात करते। क्या नाम है? रसीम सर। कहाँ से हो? जबलपुर के रहने वाले। तो ये यहाँ कैसे रुकते हो रात? क्या क्या बजे रात? जैसे भी है जी, मजबूरी काटना पड़ता है जी। स्टेशन में पड़े हैं जी सरकार, अब क्या कह दें। क्या काम करते हो? फकीर है, मंगने खाने वाले हैं। हाँ जी। तो ये बच्चों को भी लेके आप यहाँ रात बिता रहे हैं, तो कुछ रुकने की व्यवस्था नहीं? नहीं है जी कुछ भी। आप मदद कर सकते हैं तो हम होड़ भी सकते हैं बिस्तर। ये वो लोग हैं, देखिए किस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है रात बिताने को लोग मजबूर हैं। गरीब परिस्थिति के ये लोग हैं और यहाँ मांग कर खाने वाली स्थिति में ये लोग जीने को मजबूर हैं। इनकी ओर भी सरकार को देखना चाहिए, इनके विस्थापन की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। नर्मदापुरम से संजय दुबे, NDTV इंडिया।